आता है नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब क्या है? जो जरूरत है। अभी आपका टीचर बोलेगा आपको एक प्रोजेक्ट करके आना है, तो उसके प्रति आपका सोच लगाएंगे नहीं लगाएंगे? मुझे ये पेपर लेना है, ये स्केच पेन लेना है, कुछ कुछ सोचते हैं। दैट इज कॉल्ड नेसेसिटी, दैट इज मस्ट एंड शुड। लेकिन वेस्ट, सभी सुनो, बाद में क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको क्विज में बोलना पड़ेगा। वेस्ट में क्या होता है? वेस्ट में क्या होता है? जो ऑलरेडी ओवर, ऑलरेडी ओवर माना पास्ट, वो पास्ट को ज्यादा सोचते हैं। इसलिए कहते हैं भूतकाल जो सोचता है उसके पीछे भूत बनकर क्या, भूतकाल जो सोचते रहते हैं उसके आगे क्या आता है? भूत आता है। और जो फ्यूचर, जो हमको मालूम ही नहीं क्या होता है, फिर भी उसके बारे में सोच के डरते हैं। कई लोग एसएससी नहीं आते हैं, किसी ने दिमाग में डाल दिया होता है ये ना, दिस टाइम मैथ्स इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, चले गए दिमाग में, एग्जाम भी नहीं आया। अब जाकर के उसको पढ़ाया नहीं और अंदर क्या डाल दिया, इट इज डिफिकल्ट। और क्या सीन लेकर आते हैं माइंड में, मुझे मार्क्स कम हो गए तो, मैं फेल हो गया तो, मेरा पढ़ाई अच्छा ना हो तो, ऑल नेगेटिव्स, राइट? दिस ऑल ड्राइव योर एनर्जी। इसीलिए एक प्रॉवर्ब बोलता हूं, सभी सुनो, डन इज डन एंड डन, गो टू हेवन और नॉट डन। समझ में आया? डन इज डन एंड डन, गो टू हेवन और नॉट डन। सभी बोलो, ऐसे नहीं, मैं बोलवाता हूं, बोलो, डन इज डन एंड डन, गो टू हेवन और नॉट डन। जो बीत गया वो बीत गया, उसको आप वापिस तो नहीं ला जा सकते। आप लंदन में जाओ, चेंज नहीं होता, स्वर्ग में जाओ, चेंज नहीं होता। बोलो सभी, डन इज डन एंड डन, गो टू हेवन और नॉट डन। समझ में आया? हाँ। और एक एग्जांपल देता हूं, पॉस्ट इज कैंसल चेक्स। बैंक में चेक देखा है, उसमें करोड़ रुपया लिखा है लेकिन वो कैंसल है, तो उसको कहाँ रखते हैं? घर में अलमारी में रख करके या तिजोरी में रख करके लॉक करते हैं, वेस्ट डस्टबिन में डालते हैं। किसमें डालते? किसमें डालते? वैसे ही हमारे मन में जो ऑलरेडी हुआ है, बीती हुई बातें, पास्ट है, उसको क्या कहते हैं? कैंसल चेक। और जो फ्यूचर के लिए सोचते उसको प्रॉमिस नोट, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? और अभी जो मिलता है प्रेजेंट टाइम, उसको हॉट कैश, उसको क्या कहते हैं? कौन सा? तो आपको चेक चाहिए या प्रॉमिस नोट चाहिए या हॉट कैश चाहिए? हॉट कैश चाहिए, तो क्या सोचना है? प्रेजेंट कॉस्ट या फ्यूचर? समझ में आ गया? वो प्रेजेंट के बारे में सोचने को ही हम क्या कहते हैं? मेडिटेशन। प्रेजेंट में आपका माइंड क्या कहा है, पास्ट में चले गया, फ्यूचर में चले गया या प्रेजेंट में है, उसको कहते हैं क्या? मेडिटेशन। ठीक है?